नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आप 10 में से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 100 लाइक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 32306 नंबर बेयरिंग में घूमने वाले रोलर का आकार कैसा होता है? दोस्तों, अगर आप इस बेयरिंग की टाइप जानते हैं तो आप इसका उत्तर भी जानते होंगे, और अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका उत्तर है टेपर शेप। 32306 बेयरिंग की टाइप होती है टेपर रोलर बेयरिंग, और इसमें जो रोटेटिंग एलिमेंट्स यानी जो रोलर होते हैं उनका आकार टेपर शेप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉयलर ट्यूब्स का माप कैसे लिया जाता है? दोस्तों, अगर हमको बॉयलर ट्यूब्स को परचेज करना हो तो हम उसका कौन सा साइज इंटेंट में मेंशन करेंगे? आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका उत्तर है बॉयलर ट्यूब्स का माप इसके आउटर डायमीटर और ट्यूब की वॉल थिकनेस से लिया जाता है, और इंटेंट में हम इस ट्यूब की लेंथ भी मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैकेनिकल इंजीनियर को हिंदी में क्या कहा जाता है? दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हम सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं। आपके पास 5 सेकंड है। मैकेनिकल इंजीनियर को हिंदी में अभियंता और यंत्र विशेषज्ञ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में है, आपने इसका नाम बताना है, और आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका उत्तर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और इसकी लंबाई 182 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड है आपके पास। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमको पता होना चाहिए। आपके पास 5 सेकंड हैं। दोस्तों, इसका उत्तर है नील नदी, और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास। दोस्तों, इसका उत्तर है 7 महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 8, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना अदा करना होगा? दोस्तों, आपको पता ही है सितंबर 2019 से ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हमको इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके पास 5 सेकंड है। दोस्तों, इसका उत्तर है 10,000 रुपये, और इसका पहला जुर्माना 2,000 रुपये था, और अब इसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, पेनल्टी किक किस खेल में होती है? दोस्तों, अगर आपका स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। आपके पास 5 सेकंड है। इसका उत्तर है फुटबॉल में। 10वां और आखिरी प्रश्न, ढाई सूत को कैसे लिखा जाता है? दोस्तों, ढाई सूत को अगर लिखना हो तो उसको कैसे लिखते हैं? सूत के ऊपर मैं काफी बार वीडियो बना चुका हूं और आपको अच्छे से समझा भी चुका हूं, तो यह आपका टेस्ट है कि आपको लिख के बताना है कि ढाई सूत को कैसे लिखते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।